अल्मोड़े में तीन चीजें पहले फेमस थी, दाल माल और पटाल। तो हम चल दिए हैं घर को, यह है अल्मोड़े की विशाल मेगावाट। सामने है जो शाम को 7 बजे के बाद टू वे हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक की। तक ये देखिए यहाँ का विशाल मेगावाट है। शॉपिंग करने आइएगा कभी अल्मोड़ा तो विशाल मेगावाट जाइएगा। तो अभी ये है यहाँ का पिज्जा, पिज्जा वाइट और ये जियो कैफे। अंदर में आजकल बहुत सारी वो चीजें हैं। और ये नंदा देवी को रास्ता जाता है, जो लेफ्ट साइड को जा रहा है ये नंदा देवी के लिए जाता है हमारा रास्ता। जय माता दी। और ये रोड कहलाती है एलारसा रोड अल्मोड़े की। काफ़ी खूबसूरत रोड है, पैदल चलना और भी खूबसूरत लगता है। अगर आप बाहर के हैं ना आपके लिए तो मतलब अभी के टाइम में जरा मज़ा आ जाएगा। ये है सरस्वती रेस्टोरेंट और इधर को तो सब रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, बहुत सारे देख सकते हैं ऊपर को भी है। और यह आती है आपकी मार्केट, यहाँ से कटता है, यहाँ से अभी 8 बजे के पहले अलाउड नहीं होता है। ये मिलन चौक कहते हैं इसको हम, ये मिलन चौक है। तो वो है मिलन चौक। अल्मोड़े में मतलब मिलन चौक नहीं गए तो कहाँ गए, ये है अल्मोड़े में। अगर आप अल्मोड़े गए हैं ना तो चौहान बाटा और मिलन चौक अगर आपने नहीं देखा है तो आप अल्मोड़ा आपका आना मतलब साफ हो जाएगा पूरा। ये नीचे मेन रोड है और मार्केट इसके ऊपर है। आजकल अल्मोड़े में भी काफ़ी तादाद मतलब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे शौकी है वहाँ की, चलाना लान यहीं होते हैं बहुत ज़बरदस्त। अल्मोड़े में तीन चीज़ें पहले फेमस थी, दाल माल और पटाल। और जो बहुत फेमस थी, अब आपको जानना है कि ये बाल माल और पटाल क्या है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कभी आप मेरा इंस्टा अकाउंट है उसमें आप अपना मैसेज छोड़िएगा तो हम आपको बताएंगे कि बाल माल और पटाल अल्मोड़े की क्या है, ऐसी चीज क्या है वो खूबी जो यहाँ फेमस है। यह अल्मोड़े की चौहान बाटा जहाँ होते हैं, मैंने आपको जाते वक्त बताया हुआ था गाइस क्या होता है यहाँ पर, आंदोलनकारी आते हैं यहाँ पर, आंदोलन होते हैं यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ काफी बुद्धिजीवी आते हैं क्योंकि अल्मोड़ा बहुत बुद्धिजीवी लोगों का डिस्ट्रिक्ट है। तो चलो हम चलते हैं घर को, यहाँ से हमारा करता है अंदर को, आगे से भी है आदमी कहते थे लेकिन यहाँ से सही करता है। यहाँ पर अभी देखेंगे काफ़ी खतरनाक चढ़ाई है जिसको देख के आपको आने वाला है अभी काफ़ी मज़ा, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट आपको ऐसा मिलेगा यहाँ, ऐसा जैसा कि आपने सोची ना होगी। ओ माय गॉड टू ट्रू लव, ये मन होगा आपको मेरा देख के। ये है चढ़ाई बड़ी जबरदस्त, यहाँ लगता है फर्स्ट गियर फिर सेकंड गियर, थर्ड गियर भी चढ़ा लेता हूँ मैं तो, लेकिन अभी थोड़ा मोबाइल में है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कम कम झटके लगे तो ज़्यादा तेज नहीं दिखाएंगे।
और ना ये आर्मी कैंटी के रखते भी जाएंगे। अभी हम जाएंगे सीधे ये देखिए कितने बढ़िया बना हुआ है, मेन मार्केट है, शुरुआत होती है यहाँ। ये देखिए ये तो मेनली ना आपको आज दिखाऊंगा मैं। ये देखिए यहाँ के घर जो पुराने थे, यहाँ अभी बीच में सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम हुई कि जितने भी पुराने ऐतिहासिक मकान थे उन सब में रंग जो भी है एक ही तरह का सरकार ने कराया था अपनी तरफ से। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो चीज़ अच्छी होती है, जिस चीज़ को अच्छी आदमी को कहना चाहिए, कुछ काम अच्छे हुए थे और कुछ काम बहुत बुरे। सामने से गाड़ी गाड़ी चल गई है और जहाँ से आज हम आपको दिखाने वाले हैं, हमने लगा सबसे डेंजर रास्ता है, जो मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ द अल्मोड़ा। ओह माय गॉड, एक तो रोड डेंजर है, ऊपर से यहाँ शादी हो रही है। ओह भाई साहब, शादी है ना, ये देख रहे हैं। चलो थोड़ा नाच हुआ, अगर आपको आवाज आ रही है तो म्यूजिक की कोई नहीं, हमें तो आदत हो गई है वैसा करने की, क्योंकि हमें जो सीले मतलब गलत में सोचने वाला काट के भी होती है। जोशी हमारा एक प्रिय मित्र है दीपक जोशी जी, तो उनको जब भी हम प्यार से बुलाते हैं तो जोशी हेलो। यह काफी खतरनाक रास्ता अल्मोड़ेगा जो पड़ता है हमारे घर को, थोड़ा आराम से ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे हेलमेट पे लगा हुआ है मोबाइल माउंट, तो ऐसा ना हो गए मोबाइल छटक के नीचे आ रहा है और मेरा दिल बाहर निकल जा रहा है। ये देखिए ना गाइस, मतलब टास्किंग आदमी है यार, हम लोग खाली थोड़ी नहीं है ब्लॉग बना रहे हैं जो है। भाई ऐसा ब्लॉग कहाँ मिलेगा भाई तुम्हें। कहीं भी देखोगे कहीं नहीं मिलेगा ये तेरा भाई। ये देखो ये इतनी लंबी गाड़ी ऐसे ही जल्दी घुमा दी एक ही बार में, भाई कॉन्फिडेंस लेवल भाई का हाई है यार, कॉन्फिडेंस लेवल भाई का हाई है। तो मैंने आपको जाते वक्त दिखाया था हमारा बैठने का अड्डा, जहाँ भी बैठे तो मैं कुछ भाई लोग अच्छी बात है, जहाँ हम किसी को बैठते हुए देखते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा बचपन यहीं बैठ के बीता है तो अच्छा लगता है देखे ये सब। हम जब जा रहे थे यहाँ लेंटल पड़ रहा था अगर आपको ध्यान होगा तो, और आते वक्त लेंटल यहाँ से हो गया है खत्म। अभी हम चल रहे हैं बढ़िया करके, हम घर में पहुंचने वाले हैं होम स्वीट होम।
या मेरे को अपना फोन चेंज कराना है। ये मतलब ऐसा है ना गाइस, मतलब सामने से स्कूटी आएगी ना और मेरी बाइक आएगी, तो मेरी बाइक को वो स्कूटी सोचेंगे और स्कूटी को मेरी बाइक सोचेंगे, ऐसा होना ना मेरा। और किसी का बस का नहीं होता ऐसा सोलन लगाना, लेकिन मैं हूँ ना, मेरा बस का है, हम कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि हम तो हम हूँ। हम तो तेरे हंस के हैं। अरे हेलमेट के अंदर से आवाज आएगी नहीं, तो ये अपना घर आ चुका है सामने, पिंक वाले के सामने है ये। हम गाड़ी लगा देते हैं, यह है हमारा गाड़ी लगाने का ठिकाना जो अब आप हर वीडियो में देखेंगे जब भी हमारी मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी। तो हम कर देते हैं अपनी गाड़ी को ऑफ। चलो बीस्ट मिलते हैं अगली ट्रिप पर। तो हमने ये खोला अपना दरवाजा, यह बंद किया अपना दरवाजा, सबसे अच्छी चीज लगती है गंगा जाने का, ओम नमः शिवाय, ओम का नाम लिखो और अंदर लिखो जय माता। सो गाइस हम पहुंच गए हैं घर, शुरुआत यहीं से की थी, एंड भी यहीं से किया है। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो कहीं अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। आप थोड़ी वो कहेंगे ना शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर जरूर जाइएगा, पहले तो जरूर दबाइएगा और जहाँ तक हो सकता है प्लीज़ शेयर इसको कीजिएगा। थैंक यू, बाय।